वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, दिस साइड सोनिया हियर फ्रॉम ग्रोइंग क्राफ्ट एंड इट्स टाइम टू डू टिकोपाज ऑन अ ग्लास बॉटल। सो यस, पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे जैसे वर्क से। किसी भी बेस में टिकोपाज करने पे चिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू चेक आवर यूट्यूब चैनल, हमने बहुत सारे वीडियोज एंड ट्यूटोरियल्स बनाए हैं रिगार्डिंग द क्राफ्ट सप्लाईज। डू चेक दैट। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। And it is very very important to know your craft supplies before using them so that you know how to use it. अब किसी भी surface को prep up करने के लिए जैसो बहुत ज़्यादा important होता है। जैसे कि I try to do at least 2 coats, but then again it is a time taking process. So I use my heat gun to speed up the drying process. और to be very honest, ये video में हमने बहुत speed up किया है, तो you will see कि अच्छा फटाफट bottle में white color हो जाता है। No, it takes a little time. एंड देन वो ड्राई हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं हमारा डेकोपाज नैपकिन। सो मैं पहले जस्ट रोल अप करके देख रही हूँ दैट हाउ मच नैपकिन आई विल बी नीडिंग एंड देन अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू ट्रिम दिस डाउन। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल नैपकिन। आई हैड यूज दिस नैपकिन फॉर वन ऑफ माई ट्रे मेकिंग एंड आई वॉज लेफ्ट विद दिस बिग पोर्शन आई थॉट ऑफ यूजिंग दिस ऑन माई बॉटल। सो ऑफकोर्स इस डेकोपाज वीडियो के लिए आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज माई रेजिन एम्बेलिशमेंट। डू चेक दैट कलेक्शन ऑन आर वेबसाइट www.growingcraft.com। सो अप्लाइज निकाल देने के बाद यहाँ पे हम स्टिक करेंगे हमारे डेकोपाज ग्लू से, मॉडपॉट से, आप कोई भी दोनों मीडियम्स यूज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैंने जो भी सप्लाईज यूज किए हैं उनके लिंक्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अनुकूल ब्रश यूज कर रही हूँ मैं एंड आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड माई एडिसिव एज नाइसली एज आई कैन। और अब हम स्टिक करेंगे हमारा डेकोपाज नैपकिन। सो यूजली मैं हमेशा एक ड्राई ब्रश रखती हूँ सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर मी टू स्टिक माई नैपकिन एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे एंड बेस्ट आर्ट विच इज़ रियली 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 लाइक डी स्ट्रेसिंग। इट एक्चुअली works pretty well and the outcome is always very beautiful. So मेरे डेकोपाज नैपकिन लग जाने के बाद, ड्राई हो जाने के बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगी 1 coat of varnish. Why am I using my varnish? Because जो भी हम colors and mediums use करेंगे it will not get absorbed by our napkin. So that is very very important. Varnish के 1 coat के बाद में I am going to let it dry and then I'm going to use my magic tape and that is actually the tacky tape. This is one of the best tapes what you can see and using this is like super 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 awesome. So yeah, definitely I highly recommend buying this tape because it can be used for your scrapbook making, card making and even for decor. And ye hamara resin embellishment hai and you can see it was a stiff one. Ab isko mujhe round karna tha to I just used my heat gun and easily maine isko round up kar liya hai. अब हम यूज़ करने वाले हमारा मैसिव स्टैम्पिंग। कलर ब्लेंडिंग के पहले आई ऑलवेज प्रिफर टू हैव माय मैसिव स्टैम्पिंग बिकॉज इट रियली 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 हेल्प्स एंड प्लीज डू मेक श्योर दैट यू यूज योर परमानेंट इंक एज दैट। So after my massive stamping, it's time to do some nice color blending. But before that, I need to color my resin. So of course, isko pehle main cover up kar rahi hu black color ke jaiso se. Why? Because I want to have some nice rustic effect on the top of it. So uske saath mein main use karungi metallic paint or you can even use your waxes. It is absolutely fine. The only thing is yahan pe mujhe sirf mere resin embellishment ko cover karna hai with a black gesso. That is the reason I'm using a round brush, the Anukul round brush, and I'm coloring up my portions. जैसो ड्राई हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारा मेटालिक चॉक पेंट एंड मैं सिर्फ टचअप करने वाली हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इन ऑन माय रेजिन एम्बेलिशमेंट। प्लीज़ डू मेक श्योर कि आपका जैसो इसके पहले अच्छे से ड्राई हो जाए एंड जस्ट डू अ लॉट मोर कलर ब्लेंडिंग एज मच एज यू कैन ऑन द साइज अराउंड योर रेजिन एम्बेलिशमेंट। सो यस, वंस दिस इज डन
आई एम जस्ट ब्रशिंग ऑफ द एक्स्ट्रा कलर अराउंड एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस हैज़ कम आउट. दिस इज एक्चुअली लुकिंग सो ब्यूटिफुल. अगर आपके पास मेटालिक चॉक पेन नहीं है तो आप मेटालिक वैक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं. इन सभी सप्लाईज की लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. एट लास्ट फाइनली इसको सील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ माई वॉर्निश. वट एवर द सप्लाईज आई एम यूजिंग हैव बिन लिस्टेड बिलो. एंड अगर आपने ये ट्राई किया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ योर बॉटल टर्न आउट. एंड यस, थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग गाइज. टेक केयर, बाय बाय.